हाँ जी, ये वीडियो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट फर्स्ट जो लास्ट टर्म पर डाला था हमने, उससे आगे की बात है, उससे आगे के रूल्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के केवल पांच बातों पर ध्यान दिया था। उसमें पहला टेंस, पहला जो परिवर्तन करना बताया हमने, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं एसेरेड सेंटेंस में। दूसरी बात बताई थी कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखते हैं। तीसरा टेंस संबंधी परिवर्तन बताया था। टेंस संबंधी परिवर्तन के तीन पार्ट किए थे, 3A, 3B और 3C। 3B तक हमने उसमें पढ़ाया था, 3C यहाँ बता रहे हैं कि 3C क्या है। रूल्स नंबर 3C, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3C का मतलब टेंस का परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का टेंस पास्ट है और अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस बदल जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के उदाहरण देता हूं, जैसे राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड वर्क। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसका टेंस पास्ट है, और जब इसका टेंस पास्ट है अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो अंदर के टेंस बदल जाएंगे। इस अंदर का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का फिर टेंस बदलता है। बदलता कैसे है, जिस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे कौन से टेंस को किस तरह बदलेंगे, जितने भी हमारे प्रेजेंट के टेंस है वो सब पास्ट के टेंस में बदल जाते हैं। जैसे लिखा है हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। फ्यूचर टेंस में केवल विल और शैल को वुड और शुड में बदलते हैं। ऐसे ही वॉज वर है तो उसको वॉज वर अगर आए उसको हैड में कर देते हैं, हैज हैव है तो हैव या हैड में बदल देंगे, हैज हैव को हैड और कैन को कुड मेक अ माइट विल शैल का वुड या शुड में बदल देंगे, मस्ट आउट टू माइट वुड शुड ये चीजें नहीं बदली जाएंगी। ये पूरा यहाँ पर टेंस का चार्ट बना दिया है, सभी स्टूडेंट्स अपेक्षा है कि उसको अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिर टेंस बदलने की। अगर जैसे हमने लिखा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, क्योंकि इधर का टेंस पास्ट है। जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और पहला परिवर्तन सेड टू को, राम टोल्ड मी दैट, ये दूसरा परिवर्तन। अब तीसरा परिवर्तन टेंस का करना है, एक प्रोनाउन और बदलने को रह गया चौथा परिवर्तन, इसके बारे में करेंगे। ये आई भी बदला जाएगा प्रोनाउन, इस पे हम आगे को भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि आई जो है राम के अनुसार बदला जाएगा, तो यहाँ ही हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड वर्क। एक और उदाहरण देते हैं, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूं, रोहित सैड, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, रोहित सैड कॉमा आई हैव, रोहित सैड सीता केम तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम नहीं बदलेंगे, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम सेड रोहित सेड दैट
और फिर सीता, सीता हैड कम और हेयर का देयर करेंगे, देयर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। यहां पर हमने टेंस संबंधी परिवर्तन की बात की है, कौन से टेंस को किस में बदलेंगे। इसी तरह से हम सारे टेंस जो बदलने हैं उसकी हम एक्सरसाइज लेंगे, जिसको सभी भैयाओं को, सभी स्टूडेंट्स को करना है, कंप्लीट करना है। अब हम इसके बाद अगले परिवर्तन की बात करते हैं। ये हमारे तीन परिवर्तन हुए। सबसे पहला हमने टेंस, सबसे पहले हमने बदलना सीखा रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे, नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। तीसरे नंबर पे हमने सीखा टेंस कैसे बदलेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे परिवर्तन की। ये जो फोर्थ चेंज है, ये है चेंज ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ये किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर एक आपको चार्ट दे रहे हैं। ये प्रोनाउन संबंधी चार्ट है, हमने बनाया है अभी, समय वेस्ट ना हो इसलिए। ये प्रोनाउन संबंधी चार्ट है, यहाँ पर ये दिख रहा है सारा। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये हमने ऊपर केस लिख रखे हैं, सिंगुलर आई और प्लूरल में भी आता है इसका, फर्स्ट पर्सन में माई, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ऐसे वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्स, और ये सब बोलने वाले हैं, स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर कहते हैं। ऐसे ही सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं हमारे, दाउ, यू, दे, ये सब सुनने वाले हैं सेकेंड पर्सन के, दाउ, दाई, दाइन, दी, दाई सेल्फ, यू, योर, योर्स, यो और योर सेल्फ, ये सब सुनने वाला होता है, ये सेकेंड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है, ये ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। मतलब पहला फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, से सभी थर्ड पर्सन। अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम आ गया, कोई बॉय है, जैसे यहाँ पर सीता आ गया, लड़की का नाम आ गया, तो उसी के अनुसार उसके सारे केस उसका प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अगर मोहित आ गया, किसी लड़के का नाम आ गया, तो हम ही की तरह से यूज करते हैं, ही के अनुसार यूज करते हैं। और अगर कोई प्लूरल में कोई नाउन है, तो फिर हम दे के अनुसार इन शब्दों का यूज करते हैं। ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ये चार्ट है। हम कल इस पर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात कल करेंगे, आज हम यहीं पर रोकते हैं। ये तीसरा परिवर्तन किया है और हम एक एक्सरसाइज देते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को करनी है। ये एक्सरसाइज टू, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें टेंस बदलना है।